ठीक है, आज आगे का देखते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में जो भी होमवर्क है उसको कंप्लीट करना है, उसको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट शायद कल ही, अब छुट्टी के बाद करेंगे डिस्कस, ठीक है? कल भी आगे ही पढ़ेंगे। तो हम लोग देख रहे थे कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में अगर हम लोग देखे थे कि किसी कोई भी पॉइंट है, अगर वो डिस्प्लेस हो रहा है तो उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, और कोऑर्डिनेट अगर हम फाइंड कर सकते हैं तो डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगा उसको हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। एक चीज है डिस्टेंस फाइंड करना, डिस्टेंस मूव्ड बाय पॉइंट ए ऑन रिम ऑफ रिंग, ठीक है? रिंग या साइकिल का चक्का जो भी है, व्हील है, उसके रिम पे कोई पॉइंट ए है, उसका डिस्टेंस की बात किया जा रहा है यहाँ पे। यानी कि जैसे अगर हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक चक्का है जो कि किसी ओमेगा से, कांस्टेंट ओमेगा से मूव कर रहा है और किसी स्पीड वी से आगे जा रहा है। यहाँ एक कंडीशन दिया है कि वी बाई आर, ठीक है? इसका रेडियस जो है वो आर है, ये कंडीशन गिवन है कि ओमेगा वी बाई आर है। थोड़ा हम सिंपल करने के लिए हम किए हैं, ये हमारा पॉइंट ए है जो कि रिम पे है। तो ये पॉइंट ए हम लोग जानते हैं कि ऐसा कुछ बढ़ता हुआ आगे साइक्लोइड शेप लेता है और यहाँ तक आएगा। अगर हम इस पॉइंट का ए का इन वन रिवोल्यूशन का अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एक रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो एक रिवोल्यूशन के बाद ये जो पार्टिकल है यहाँ पे हमारा, फिर से ये चक्का घूमता घूमता दिखेगा और ये पॉइंट ए हमको फिर से यहाँ पे दिखेगा। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये हमको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? ये डिस्टेंस जो मिल रहा है, ये हमको मिल रहा है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, यानी ए और ए डैश के बीच में। ये जो पाथ लेंथ हमको मिलेगा ये हमको डिस्टेंस बताएगा। तो हमको इसका अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे? डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कोई बताएगा कितना होगा एक रिवॉल्यूशन में? टू वो पाई आर टू पाई आर, ठीक है? एक रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उतने देर में ये जो पॉइंट ए है डिस्प्लेसमेंट इतना होगा। कैसे चेक कर सकते हैं? तो इस पॉइंट को अगर कट करके, इसको हम समझे कि एक वायर है, सीधा साधा हम थ्रेड है, उसको हम सीधा सीधा स्ट्रेच कर दें, तो ऐसा है, यहाँ से कट कर लिए तो यही एंड दोनों है। तो उसको अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो जो भी रिंग का लेंथ होगा, सरकमफेरेंस होगा, उतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। मेन है हमारे यहाँ डिस्टेंस फाइंड करना। कैसे फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस, कोई आइडिया? रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन को अलग अलग। फिर भी हमको डिस्टेंस फाइंड करना है ना, अलग यस अलग भी करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? ये जो डैश लाइन से दिख रहा है इसका पाथ लेंथ फाइंड करना है, ठीक है? इसका पाथ लेंथ तो कैसे क्या यूज करें? तो सिंपल एक चीज याद रखना है कि डिस्टेंस अगर हमसे कहा जा रहा है, ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करना, डायरेक्शन अगर चेंज नहीं हो रहा है, मोस्टली केसेस में अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो हम लोग इसको स्पीड इनटू टाइम लिखते हैं, ठीक है? डिस्टेंस को हम लोग स्पीड इनटू टाइम लिखते हैं तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है? ध्यान रहे कि हम यहाँ पे मॉडुलस लिए, यानी कि क्या है, स्पीड। डिस्टेंस फाइंड करना है तो अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होता था तो यहाँ हम वेलोसिटी यूज करते थे, वी डी टी लिखते थे, वेलोसिटी था, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। तो हम लोग ये चीज यूज कर सकते हैं, स्पीड इंटू डी टी करेंगे तो यहाँ से हमको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हम पॉइंट ए का स्पीड फाइंड कर ले टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमारा काम बन जाएगा। तो लेट से किसी टाइम टी पे ये पार्टिकल जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है?
ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा। अब इस पार्टिकल का हमको स्पीड पता करना है। तो ये जो डिस्क है ये ऐसा ओमेगा से रोटेट हो रहा है और इधर वी से जा भी रहा है, ये वी बाई आर रिलेशन दे रखा है, एक ओमेगा वी बाई आर है। तो ये पॉइंट ए यहाँ आ गया, तो इसका स्पीड क्या होगा? ठीक है, तो स्पीड क्या होगा? तो स्पीड वाला पोर्शन हम लोग अभी थोड़ी देर में करेंगे, फिलहाल तो बता रहे हैं उसको देख लो कि ये जो है सेंटर ऑफ मास का जो है स्पीड है, उस स्पीड से तो ये इधर जाता हुआ दिखेगा ही। ये उतने देर में जो है थीटा रोटेट किया होगा और थीटा जो होगा वो ओमेगा टी होगा। ठीक है, थीटा के टर्म में लिखे तो ऐसा। और इधर की तरफ यानी कि टेंजेंट, टेंजेंशियल हमको जो आएगा ऐसा, ये ओमेगा यहां से अगर लिखे तो भी आ जाएगा ओमेगा इंटू आर, जो कि हम बोल सकते हैं वी। तो हमको ऐसा है पॉइंट ए का किसी टाइम टी पे वेलोसिटी मिल रहा है, इधर भी इधर भी। अब ये दोनों के बीच में एंगल बता सकते हैं क्या? कोई बता सकता है? बताओ। यस सर, ये तो 90 दिख रहा है यस सर, और ये 90 थीटा, माइनस थीटा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? सर 180 माइनस थीटा, ऐसा बन रहा है कि ये हम बोले हैं थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा ना, यस सर, और ये 90, तो टोटल कितना हो जाएगा? 180 180 माइनस थीटा। थीटा। ठीक है, इसको पाई माइनस थीटा हम बोल सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पे हम स्पीड पता कर सकते हैं, मॉडुलस अंडर रूट क्या आएगा? बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 वी भी कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, कितना आ जाएगा बताओ? कॉस पाई माइनस थीटा होता है, तो अब हम यस माइनस थीटा लिख देते हैं डायरेक्टली, ये आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा। को कुछ लिख सकते हैं क्या हम लोग? सर, 2 sin² थीटा बाई टू, 2 into 2 sin² θ/2। ठीक है, ये कहाँ से लिख रहे हैं? तो इस फॉर्मूला से cos 2 θ = होता है 2 cos² θ - 1। ठीक है, यस सर, या फिर 1 minus 2 sin² θ। तो यहां से हमको 1 minus cos θ दिख रहा है, यानी कि 2 sin² θ, थीटा हाफ के टर्म में है, तो हमें यहाँ पे लिख दिया θ/2। तो ये हमको दिख रहा है 2V sin ωt/2 = V का, यानी कि स्पीड है। ये हमको टाइम के रिस्पेक्ट में आ गया, तो डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, तो डिस्टेंस = लिख सकते हैं इंटेग्रल ओमेगा और वी तो कॉन्स्टेंट है dt। कहाँ से कहाँ तक? तो टाइम 0 से शुरू हो रहा है, एक रिवोल्यूशन में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा बता सकते हो? ओमेगा से अगर घूम रहा है तो टाइम लगेगा 2π/ω, यस टाइम पीरियड होता है, तो हम टी कैपिटल टी लिख रहे हैं, टाइम पीरियड 2π/ω। अब इसको इंटीग्रेट कर लेना है, 2V/ω माइनस ये 2 to 4 हो जाएगा ना, सुनेगा ये आएगा इंटीग्रेशन, चेक कर लेना एक बार। यस, थोड़ा ऊपर कीजिए ना। और ये सही है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे भी वही आ रहे, तो इसको हम 4R लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1 आएगा, तो डिस्टेंस जो आता है सर 2 1 आएगा, इसका इंटीग्रेशन 2 आएगा, तो आंसर 8R आता है, इसलिए इंटीग्रेट करके देख लेना, चाहो तो रिजल्ट को याद रखना।
ऑलवेज यही होगा इस केस में, जब ओमेगा भी बाई आर हो तब, ठीक है, कुछ और देगा तो हमको यहाँ पे ये वाला वैल्यू चेंज होगा, यस सर, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग आएगा, प्रोसेस यही होगा। सो नोट करना था अभी लिखे नहीं हो क्या? सो और ऊपर इंटीग्रेशन वाला पार्ट मैथ्स है, इसको तो सॉल्व करो। मैथ्स वाले पार्ट तो हम यही कहेंगे कि तुम लोग खुद से सॉल्व कर लिया करो, जहां पे फंसो वहां पे फिर देखो। यस सर, कैलकुलेशन है, अगर साथ साथ सीखते चलोगे तो ज्यादा फायदा है। नेक्स्ट देखते हम लोग वेलोसिटी एंड स्पीड। इन कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं सी, यानी कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। हम लोग देखे थे कि कभी भी कंबाइंड में अगर हमको देखना है तो क्या देखेंगे, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यानी कि सी करने का जो हमारा टेंडेंसी होगा, कोई भी मोशन की अगर बात कर रहे हैं कंबाइंड के केस में, तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखेंगे प्लस मोशन ऑफ मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। किसी भी पॉइंट की अगर बात करा जाए तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या होगा और सेंटर ऑफ मास का क्या होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, उसी से समझते हैं हम लोग कि एक ऐसा गोलाकार व्हील है या कुछ भी है जो कि ओमेगा से रोटेट कर रहा है, साथ में ये जो है आगे किसी स्पीड वी से भी चलता जा रहा है। लेट से कोई भी एक पॉइंट हम मान ले रहे हैं, ठीक है, कोई सा भी पॉइंट हो, अगर हम इस पॉइंट को देखना चाहेंगे तो कैसे देखेंगे, जैसे कि अगर हम ध्यान से देखते हैं, पहले इसको हम एक बार सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखेंगे, यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास से सेंटर हो गया, इस पर बैठ गए हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, आगे जा रहा है। अब अगर हम सेंटर ऑफ मास पे बैठे हैं तो हमको आगे जाता हुआ दिखेगा या सिर्फ रोटेट होता हुआ दिखेगा, बताओ? सर रोटेट होगा, हमको सिर्फ ये दिखेगा। इसका रेडियस लेट से किया, रेडियस आर है, तो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि इस पॉइंट का अगर हम वेलोसिटी लिखें तो यहाँ क्या ओमेगा आर लिखेंगे? यस सर। इस पॉइंट का लिखे तो ओमेगा आर इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होता है, इस पॉइंट पे लिखे तो इधर टेंजेंशियल डायरेक्शन हर जगह। वैसे ही अगर कोई पॉइंट पी यहाँ हो तो उसके लिए लिखेंगे तो ऐसा ही टेंजेंशियल ओमेगा आर। किसी भी पॉइंट पे लिखना हो तो हम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है, रोटेशनल। यहां से हमको सिर्फ दिख ही रहा है कि हम उस पर बैठ के कि ये गोल गोल घूम रहा है, आगे बढ़ता हुआ हमको नहीं दिखेगा क्योंकि हम उसी के सेंटर ऑफ मास पे बैठे हैं और उसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये वही कहानी हो गया, यानी कि ट्रेन में बैठे हैं, सामने वाले पे कोई और बैठा है तो हम वही बैठ के उसको देख रहे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट हैं। तो वैसे ही हम इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठे हैं तो ये हमको आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, बल्कि ये ओमेगा से रोटेट होता हुआ दिख रहा है प्लस। अब हम सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे नजर डालें, ठीक है, ओमेगा को भूल जाएं, सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे नजर डालें तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ वी से जाता हुआ दिख रहा है, तो ये पॉइंट उसके साथ अटैच है, ये भी क्या वी से जाता हुआ दिखेगा? Yes, यानी कि ट्रेन में हम बैठे हुए हैं, बाहर से अगर हम देखें तो हमको जितना स्पीड से ट्रेन जाता हुआ दिखेगा उसी पॉइंट उसी स्पीड से उसके अंदर का हर एक पॉइंट जाता हुआ दिख रहा होगा। तो वैसे ही इसका हर एक पॉइंट इधर की तरफ वी स्पीड से ही जाता हुआ दिख रहा होगा। तो ये जो है हमको दिख रहा है कि मोशन ऑफ हम सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड, ठीक है, हम सेंटर ऑफ मास को देखे और उसी के अकॉर्डिंग हर पॉइंट का लिख रहे हैं, यानी कि हम सिर्फ ट्रांसलेशनल लिख रहे हैं।
ठीक है, यानी कि हमने इसको अलग अलग देखा, एक बार ओमेगा रोटेट करते हुए, एक बार ये, अगर हम दोनों को कंबाइंड कर दें, ठीक है, कंबाइंड अगर देखे तो हमको क्या दिख रहा होगा, जैसे कि इस फिगर में दिखना चाहिए था ऐसा, ठीक है, ये इधर वी से जा रहा है, ये ऐसा ओमेगा से रोटेट हो रहा है। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे हमको एक इधर ओमेगा आर दिख रहा होगा, इधर एक वेलोसिटी वी दिख रहा होगा। इस पॉइंट की देखें तो इधर वी दिख रहा है, ओमेगा आर दिख रहा है। इस पॉइंट पे वैसे ही इधर ओमेगा आर, इधर वी, यहाँ पे भी वैसे ही ओमेगा आर भी इधर ही, इस पॉइंट के इधर ही वी आएगा, यानी कि हमने दोनों को फिर कंबाइंड कर लिया, ठीक है, यानी कि हर पॉइंट का हमको वेलोसिटी पता चल जाएगा। यहाँ का अगर देखेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पे ये दोनों हमारे वेक्टर हैं तो यहाँ पे हमको वेलोसिटी इधर कहीं आएगा, जो कि हम लिख सकते हैं अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर, ठीक है, जो नेट आएगा हमारा भी हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि तो दोनों है हमारे वेलोसिटी वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो एडिशन होगा वो भी हमारा वेक्टर की तरह ही होगा, ठीक है। यानी कि अगर हमको यहाँ पे देखना है किसी भी पॉइंट सरफेस पार्टिकल में वेक्टर क्या कौन सा, पॉइंट वेक्टर बॉट ये वेलोसिटी का कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों क्या है, वेक्टर ही है, तो यहाँ पे अगर हमको नेट, इस पॉइंट का नेट स्पीड पता करना होगा तो हम इन दोनों का रिजल्टेंट ही फाइंड करेंगे, नेट डायरेक्शन पता करना होगा तो, सर ठीक है, यानी कि इस समय ये पॉइंट इस डायरेक्शन में कहीं जाता हुआ दिख रहा होगा, जिसका स्पीड हम वेक्टर वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 90 डिग्री पे है तो डायरेक्टली लिख लिए, एक एग्जाम्पल लिए यहाँ पे, यहाँ पे लिखते तो क्या लिखते, वी माइनस ओमेगा आर, दोनों अपोजिट यस डायरेक्शन में, ठीक है, तो वैसा ही हम बोल रहे हैं कुछ। यहाँ अगर हम सिंपली देखे तो क्या देखे, किसी एक पॉइंट पी का अगर हमको वेलोसिटी लिखना है, जैसे कि ऊपर वाले पॉइंट पी है, तो उसमें हमको दो दो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अगर हम लिखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ पी माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि हमें यहाँ रिलेटिव थोड़ा जा रहे हैं, रिलेटिव मोशन जो हम लोग पढ़े हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पी जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यही चीज हम लोग हर जगह पे लिखे हैं, ठीक है, यानी कि ये जो है हमारा सेंटर ऑफ मास का है और ये है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, यानी कि अगर किसी पॉइंट पी का कोई सा भी आर्बिट्री पॉइंट दिया जाए, कोई सा भी हम एक पॉइंट एग्जांपल के तौर पे लिए हैं, तो उसका भी अगर लिख रहे हैं तो उस पॉइंट का पी का स्पीड का लिखना हो, वेलोसिटी लिखना हो, तो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल वेक्टर फॉर्म में जोड़ देना है। रोटेशनल देखने के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखेंगे, और ट्रांसलेशनल देखने के लिए जैसा सेंटर ऑफ मास बिहेव कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, वैसा ही हम पूरे बॉडी का मोशन को कंसिडर करेंगे, क्लियर है, तो वही चीज हम यहाँ पे दोनों को कंबाइंडली अगर हम इक्वेशन में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, और वही चीज हम ऊपर करे भी जा रहे हैं, जैसे एग्जांपल करते हैं, यहाँ पे पॉइंट पी है जो 30 डिग्री पे, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट एट गिवन मोमेंट क्या होगा ये बताना है,
गया सिक्स सिक्स आ गया यस ठीक है, ऐसा ही आएगा, इधर ओमेगा आ रहा जाएगा, दोनों के बीच में एंगल पाई माइनस थीटा, तो यहां से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कहीं भी अगर हमको किसी भी पॉइंट में अगर कमाइन देखना है तो एक बार सेंटर ऑफ मास, फिर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, वही दोनों हम काम करते हुए लास्ट तक जाएंगे। ठीक है, अब एक्सेलरेशन देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये ओमेगा अल्फा और इधर वी और ए दे रखा है, यानी कि हम दोनों एक्सेलरेशन ले रहे हैं, अल्फा भी है ए भी है, कोई वेलोसिटी वी से उस समय जा रहा होगा। ठीक है, ऐसा दे रखा है, तो हम कंबाइंडली हम एक साथ ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लें तो हमको क्या मिलेगा बताओ? एंगुलर एक्सेलरेशन इधर अल्फा आर, ठीक है, इधर भी अल्फा आर, यहाँ पे देखेंगे तो इधर अल्फा आर, वैसे ही यहाँ देखेंगे तो अल्फा आर, हर पॉइंट पे जहां भी देखे तो हम तीन चार पॉइंट का बना रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है। प्लस अगर हम विथ सेंटर ऑफ मास का बात करें तो सेंटर ऑफ मास ए से आगे इधर जा रहा है, तो इस पॉइंट पे एक एक्सेलरेशन और आएगा, ए इधर, ये ए यहाँ पे, ए फिर यहाँ भी ऐसा ही आएगा। ये ठीक है, यानी कि हम रेड वाला बोल लिख रहे हैं, ये वाला है सेंटर ऑफ मास का लिखा हुआ विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ऊपर से यही काम करते आ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। क्या यहाँ हमारा काम हो गया है या फिर अभी और कुछ लिखना बाकी है बोलो? अगर हम किसी पॉइंट पी का एक्सेलरेशन लिख रहे होते तो हम यही लिखते, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी क्या आया था वैसा ही एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये लिखते। ठीक है, अब हमारा लिखा हुआ काम कंप्लीट हो गया या फिर कुछ बाकी? तो थोड़ा सा ध्यान दो, तो कुछ तो बाकी, क्योंकि अगर हम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ये ओमेगा से ऐसा घूम भी रहा है एट अ पार्टिकुलर मोमेंट, ओमेगा भले ही बढ़ रहा होगा लेकिन किसी पार्टिकुलर मोमेंट पे ये ओमेगा रहा होगा। अगर ओमेगा से घूम रहा है यानी कि सेंट्रिपिटल में और एक टर्म आएगा, वो कौन सा आएगा? तो रेडियल सेंट्रिपिटल इधर की तरफ, कितना? तो ओमेगा स्क्वायर इधर की तरफ ही, ओमेगा स्क्वायर आर, यहाँ पे भी इधर ये ओमेगा स्क्वायर आर, यहाँ पे इधर ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, यानी कि इससे हम लिखे हैं
एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल, व्हाइट वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, व्हाइट से जो है वो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेंटर ऑफ मास का, ये विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। यानी कि यहाँ पे हमको ये समझना है कि जो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, ये ए रेडियल प्लस ए टेंजेंशियल दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देख रहे हैं तो पार्टिकल जो है रोटेशनल मोशन कर रहा है, रोटेशन जब भी होता है सर्कुलर आ रहा है, तो हम देखेंगे कि हमेशा एक एक्सेलरेशन जो होगा वो सेंटर की तरफ लग रहा होगा, जिसे हम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। तो अल्फा है तो वो तो रेडियल हो गया, टेंजेंशियल हो गया आर इन टू अल्फा, लेकिन रेडियल जो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है ये बहुत लोग भूल जाते हैं, इसलिए इस पॉइंट का बात हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे हमको तीन तीन कंपोनेंट मिल रहे हैं एक्सेलरेशन के। कौन कौन से? तो एक तो सेंटर ऑफ मास का, फिर एक टेंजेंशियल आ रहा है आर अल्फा से, और अगर ओमेगा स्पीड से उस मोमेंट पे वो घूम रहा है तो उसके पास एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी होगा जो कि सेंटर के अलोंग लग रहा होगा, और वो एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं कि वी स्क्वायर बाई आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर लिखते हैं, ठीक है। तो ओमेगा भीम के रिलेशन पे होता है, खैर वहां हम लोग भी लिखते हैं, तो सर्कल के लॉन्ग जो वेलोसिटी होता है वही लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये भी स्क्वायर बाई आर लिखने का गलती मत करना, क्योंकि ये भी जो है सेंटर ऑफ मास आगे किस स्पीड से जा रहा है वो चीज लिखा हुआ है। सर्कुलर मोशन में ये पार्टिकल हम बोलते थे ओमेगा से जा रहा है, या फिर यहाँ पे हम भी लिखते थे आर ओमेगा, तब हम लोग यूज करते थे, तो वो भी अलग था ये भी अलग है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आर यूज किए। इतना बात मगर एक्सेलरेशन से अफेक्ट करेगा क्या? सो लीनियर एक्सेलरेशन को ये अफेक्ट करेगा जो ए है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, रेडियल एक्सेलरेशन से? मतलब नहीं समझे सर, जो रेडियल एक्सेलरेशन सर वो बाहर से कोई इफेक्ट डालेगा उसके लीनियर एक्सेलरेशन में? इस वाले पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन अगर ये चीज बढ़ रहा है रेडियल, जैसे सबसे पहले तो अल्फा है तो टेंजेंशियल है तो ओमेगा बढ़ रहा है, ओमेगा बढ़ रहा है तो रेडियल भी बढ़ रहा होगा, क्लियर है? ये जो बाहरी एक्सेलरेशन ए है उस पर कोई ज्यादा इफेक्ट, कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो तो फोर्स पे डिपेंड है, आगे की तरफ जितना फोर्स लग रहा होगा उसके जा रहा है, टॉर्क लग रहा है उससे अल्फा आ रहा है। सर तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से इस पे डिपेंड करेगा क्या ये रेडियल में? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये सब तो इफेक्टेड होंगे ही, होगा सर रेडियल से? ए रेडियल है तो ज्यादा तेजी से ये रोटेट हो रहा है, हो रहा है, यानी कि हो सकता है कि पहले वो जितना में रोटेट होता था, यानी जितना दूर आगे बढ़ा उतना में एक राउंड कंप्लीट किया वो डिस्टेंस, अभी जितना वो आगे बढ़ा और उतने में वो हो सकता है दो राउंड कंप्लीट कर लिया हो, सकता है ना? ठीक है, तो वेरी कर सकता है। सो ये तो सेंटर की तरफ लगा सर, और आर अल्फा और ए सर आगे की तरफ जो डिस्टेंस जाएगा वो भी पे डिपेंडेंट है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन है तो भी को बढ़ा रहा होगा, अब ये जो अल्फा है वो ओमेगा को बढ़ा रहा है, यानी कि ये जो है डिस्टेंस आगे की तरफ जितना जा रहा है, हम ये बोल रहे हैं कि हो सकता है पहले यहाँ से यहाँ जाने में एक राउंड कंप्लीट किया, अब यहाँ से यहाँ जाने में हो सकता है दो राउंड तीन राउंड कंप्लीट कर लिया हो, क्योंकि हम ओमेगा को बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस हो सकता है सेम दूरी कवर करने में, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने में वो ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स कवर कर चुका होगा। बात समझ आया? हेलो, यस सर, आ गया समझ में। ठीक है, एक इसी पे एग्जांपल है,
ऐसा है डायरेक्शन, यहां से पॉइंट पी जो है ये 37 डिग्री पे है, उस पॉइंट पी का एक्सेलरेशन बताना है। आर दे रखा है 2 मीटर, ओमेगा है 5 रेडियन पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वी है 10 मीटर पर सेकेंड एंड अल्फा है 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। पॉइंट पी है उसका एक्सेलरेशन बताना है। एक सेकेंड, आ गया। आ गया ये सर आ गया, ठीक है। यहाँ पे वाई और दो जेड कम वेक्टर्स हैं, हाँ यहाँ पे से दो एक्स वाई वेक्टर्स कंपोनेंट हैं, निकला। ठीक है। जैसे भी है एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट को फाइंड कर लेना है, तो यहाँ पे कंपोनेंट्स ले लोगे तो यहाँ पे एक्स और वाई में आ जाएगा, तो आई कैप प्लस जे कैप जो भी है यहाँ पे, ठीक है। कंपोनेंट लेके सॉल्व करके लिख लेना है, आर का ठीक है वैल्यू सर। नहीं किया वैसे, हाँ आर किसका का वैल्यू दिया था 2 मीटर, यस। ठीक है। ऐसे से अगर कोई सा भी पॉइंट दे, इधर इधर ऐसा इधर कहीं भी दे सकता है, किसी भी एंगल पे दे सकता है, तो वैसे ही सारे कंपोनेंट्स को लिखेंगे, उसके बाद का जो काम है वो वेक्टर एडिशन होगा, ठीक है। नहीं कि उसके बाद हमको कुछ नहीं, बस वेक्टर एडिशन करना।
क्लियर है इतना? यस सर। मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम। ठीक है, अगर कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है उसमें हमको लीनियर मोमेंटम लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट से कोई भी सर आर्बिट्रेरी एक्सेलरेटर सिस्टम, सिस्टम रहा तो सर उसमें डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? क्या एक्सेलरेटेड तो सिस्टम रहा तो सर उसमें डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे पॉइंट का? वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर उतना आसानी से कैसे कर पाओगे? सर तो कोई तरीका होगा ना निकालने का? वो सब हम लोग से नहीं पूछा जाता है, बहुत लंबा जाएगा फिर। ठीक है, जैसे एक्सेलरेटेड है तो उसमें जो वेलोसिटी स्पीड होगा उसका हम लोग टाइम के साथ एक्सेलरेशन में इक्वेशन लिखेंगे, उसमें अल्फा भी आ जाएगा एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, फिर स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो यूज करेंगे, फिर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन आता सर उससे, ना। सर इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है ये रोटेशन में? ऊपर जो हम लोग पढ़े हो बस समझ रहे हैं, वैसा क्वेश्चन आता भी नहीं है। अभी भी जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो सिर्फ लिखने का सीख रहे हैं, कैसा हम लोग लिखेंगे। कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, तो रोटेशन वाले में जो हम लोग पहले पढ़े हैं वो आया है, अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये सिर्फ समझ रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, हम लोग ऐसे इस चीज को देख सकते हैं। रियल लाइफ में हम लोग डेली दोनों तरह के मोशंस देखते हैं, सिर्फ रोटेशन भी ट्रांसलेशन भी कंबाइंड भी। तो कंबाइंड वाले को हम लोग रोटेशन और ट्रांसलेशन के फॉर्मेट में कैसे देखेंगे, कैसे सारे इक्वेशंस को लिखेंगे, फिलहाल वही सीख रहे हैं, आगे चल के देखेंगे किस तरह का इसमें सवाल बनते हैं। ठीक है, तो एक एक करके अभी हम लोग टर्म तो ही सीख रहे हैं, पहले डिस्प्लेसमेंट सीखे, फिर स्पीड कैसे लिख सकते हैं, ये ये सब सारी टॉपिक्स चीज। का कोई काम नहीं है मतलब हम लोग को एग्जाम्स में? आगे वाले जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हमको जरूरत पड़ेगा तो काम तो है ही, अच्छा, मान लेते हैं कि तो का चैप्टर में जो जो टॉपिक्स है उसी में ना काम पड़ेगा? हाँ ये वाला जो चैप्टर में टॉपिक्स रहेगा आगे उसमें ये सब का काम पड़ेगा कि कोई हाँ इसी चैप्टर दूसरे में में? रोटेशन जहां भी यूज होगा वहां काम करेगा, वो भी कंबाइंड वाले में। अरे सिंपल सा बात है कि एबीसीडी जब लिखना सीख रहे थे तो आज एबीसीडी का कोई काम है क्या? लेकिन नहीं, देखो तो हर वर्ड में वो यूज है ना, तो यस सर, डायरेक्टली उसका काम नहीं है, लेकिन अगर हम लोग अपना नाम भी लिख रहे हैं तो उसमें वही चीज यूज कर रहे हैं, तो वही यहाँ पे काम है बस। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम हम लोग जानते हैं पहले से कि अगर कोई एक पार्टिकल है एम मास का वी वेलोसिटी से जाता है तो एल इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं एम वी होगा, वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ये लिखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक आर्बिट्री शेप का बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास जो है ये पॉइंट है, ये जो है अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है और इसका सेंटर ऑफ मास लेट से कि किसी स्पीड वी से आगे भी जा रहा है, यानी कंबाइंड है रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। हम कोई भी आर्बिट्री शेप लिए हैं यहाँ पे समझने के लिए, ठीक है, ऊपर वाले केसेस में भी आर्बिट्री ले लेते लेकिन आर ओमेगा लिख के अच्छा लगता है गोल गोल, इसलिए वो यूज किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आर्बिट्री शेप का कोई भी एक बॉडी है जो कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन कर रहा है, यानी ओमेगा से मान लेते हैं घूमता हुआ वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, यानी गोल गोल घूम भी रहा है आगे की तरफ बढ़ भी रहा है। ठीक है, अब हमको इसमें चाहिए लिनियर मोमेंटम, तो अगर हमको कोई भी बॉडी होता है तो लिनियर मोमेंटम लिखने के लिए हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके लिख लेते हैं, जैसे इसमें अगर लिखते तो सब पॉइंट का अगर लिखते तो यहाँ पे भी सारा का सारा पॉइंट वही स्पीड से ही जाता तो एम भी ही आता, तो वहां का अलग बात था। यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई एक मास यहाँ पे M1 है, कोई एक मास यहाँ पे M2 है,
तो इस पॉइंट का स्पीड या लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो अगर ये डिस्टेंस हम इसको मिला दें, ठीक है, इसको बोले कि ये आर वन दूरी है, तो ये इधर की तरफ एक ओमेगा आर वन स्पीड आएगा और इधर की तरफ एक वी स्पीड आएगा, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास है, इस पॉइंट को अगर वन बोले, तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ वन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ध्यान से देखो, तो वेक्टर सम होगा इन दोनों का, प्लस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यानी कि अगर हम ये ओमेगा आर वन देखें तो हमको ये चीज मिलेगा और इन दोनों का सम है, ए वी वन है। वैसे ही अगर इस पॉइंट टू का लिखें तो वी टू भी अगर हमको लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। किसी को इसमें कोई दिक्कत? ये डिस्टेंस लेट से कि यहां से आर टू दूरी पे हो, यहां से देखते तो इधर ओमेगा आर टू आता और इधर की तरफ वी आता, तो हम सबका वेक्टर सम लिखेंगे तो ये वी वन वी टू हर पॉइंट का आएगा। तो अगर हम लीनियर मोमेंटम लिखें पी, तो हम क्या लिखेंगे? एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस जितने भी पार्टिकल होंगे सबका ऐसा जोड़ देंगे। यहाँ पे हम एक्सपेंड करते हैं, V1 को लिखते हैं तो VCM प्लस V1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस M2 इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस ऐसा ही सबका आता जाएगा। ध्यान से और देखें हम यहाँ पे, तो एक चीज हमको मिल रहा है कि यहाँ पे हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू M1 प्लस M2 प्लस ऐसा एक इक्वेशन मिल रहा है यहां से, और एक जो मिल रहा है प्लस m1 v1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस m2 v2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस ऐसा एक टर्म मिल रहा है, दो टर्म मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने बोला कि अगर कोई भी पार्टिकल है तो हम लोग दो टर्म में देख रहे हैं, तो वेलोसिटी हमने देखा, तो वेलोसिटी हम एक सेंटर ऑफ मास का लिखे और एक विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, दोनों का हम वेक्टर सम कर दिए हैं, ठीक है। इसको डायरेक्टली वेक्टर से भी लिख सकते हैं जो कि हम लोग यहाँ पे लिख के रखे हैं। अब इस चीज को अगर हम मोमेंटम लिखने में यूज करते हैं तो हमको ऐसे दो इक्वेशंस मिल रहे हैं। ध्यान से देखो तो ये तो हमारा टोटल मास आ गया, तो हम उसको कैपिटल एम लिख देते हैं, टोटल मास जो है मान लेते हैं कैपिटल एम है, सबका मास जोड़ेंगे तो एम इंटू वी सी एम प्लस ये वाला वैल्यू कितना आएगा। तो ये वाला वैल्यू अगर ध्यान से देखो तो ये जो चीज लिखा हुआ है, ये ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, सारा का मोमेंटम लिनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखा हुआ, तो ये वैल्यू कितना आएगा बताएगा कोई? रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है तो इसको ध्यान से देखो और बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम? नहीं, ये क्या है? मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये लिखा हुआ है। यस सर, ध्यान से देख लो, वी वन सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वी टू सी वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। यानी कि अगर हम मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखते और उसी पे बैठ के ऑब्जर्व करें तो ये वैल्यू कितना आएगा बताओ? आई ओमेगा। आई ओमेगा कैसे आएगा? वेक्टर है, तुम उसी पे बैठ के उसी को ऑब्जर्व कर रहे हो तो क्या वैल्यू आएगा? जीरो ना आएगा। यस सर, जैसे वेलोसिटी किसी भी बॉडी का देखते हैं और उसी पे बैठ के अगर ऑब्जर्व करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? जीरो। जीरो आएगा।
तो यहाँ भी वो क्या है, मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंट कर रहा है, M1 V1c, M2 V2c, वही चीज लिखा हुआ है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है ये। तो उसमें अगर हम मास से कर दिए तो अच्छा चलो एक लाइन और बढ़ा के तुम लोग को फिल कराए देते हैं। वेलोसिटी ऑफ, अगर हम सेंटर ऑफ मास लिखते तो क्या लिखते हैं? बोलो। से M1 V1 से वेलोसिटी प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 डिवाइडेड बाय M1 इधर प्लस यूज हो M2 गया है, प्लस इधर यूज कर लिए, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, जी इक्वेशन समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको एक्सपेंड करने में तो और ज्यादा हो जाएगा, लंबा चला जाएगा। इतना बात ये समझ में आ रहा है कि M1, हाँ बोलो। वहां तक समझ में आया। M1 V1 रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अच्छा ये समझ में आ गया ना कि ये मोमेंटम जो है सेंटर ऑफ मास का है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यानी कि सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम लिख रहे हैं और वो देख कहाँ से रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से। तो जीरो नहीं आएगा, आई तो सर, यहाँ यहाँ क्या, ठीक ये समझ नहीं आया सर। है। हम लीनियर मोमेंटम लिख रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, इतना बात माइंड में बैठा लो कि हम लीनियर मोमेंटम लिख रहे हैं, क्योंकि इसको कंसेप्चुअल नहीं समझेंगे, मैथमेटिकली जाएंगे तो एक दो पन्ना चला जाएगा फालतू में और किसी काम का है भी नहीं। तो यहाँ सिंपली अगर समझो कि हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए हैं, ठीक है, और हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ के किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ से हम फर्स्ट वाले पार्टिकल मोमेंटम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, M1 और वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ए लिखेंगे। यस वैसे ही पॉइंट का सेंटर ऑफ मास रिस्पेक्ट में मोमेंटम क्या लिखेंगे, MV2 इन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऐसे ही लिखेंगे। ये तो ग्राउंड के फॉर्म सर, में था, ग्राउंड से हम ऐसे आए तो ये चीज आया, लेकिन ये वाला पोर्शन को हम ध्यान से देख रहे हैं तो ये सारा कुछ क्या लिखा हुआ है, मोमेंटम सबका, यानी कि ये चीज जो ऊपर लिखा हुआ है ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है P1 + P2, ये सारा कुछ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास P3, सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाय अगर M1 + M2 कर देते तो ये हमको P सेंटर ऑफ मास मिलता। हम क्या यस बोलते हैं, ऐसा मिलता, वेलोसिटी, यस सर। ऐसा मिलता तो ये हमको क्या दिख रहा है कि हम इसको यहाँ पे नहीं लिखे, नीचे वाला पोर्शन ऊपर वाला पोर्शन है, छोड़ो हम यहाँ पे मास से मल्टीपल कर दें, तो ये हमको क्या मिल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यस सर, यानी कि वही कहानी हो गया कि हम किसी कार में बैठ के कार की वेलोसिटी पूछ रहे हैं कितना है। तो भाई डिजिटल है, हम बता सकते हैं, लेकिन अगर फिजिक्स में रिलेटिव टर्म होता है तो उसमें बैठ के उसका वेलोसिटी हमको कितना नजर आएगा, बताओ, जीरो। जीरो। तो वैसे ही यहाँ भी हम उस पर बैठ के उसी का बात कर रहे हैं, यानी कि अगर सिर्फ वेलोसिटी के टर्म में अगर बात करें तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास का ही वेलोसिटी, सबका मास सेम होता तो कॉमन निकाल के देखो क्या लिखा हुआ। थोड़ा सा और अंदर जाना चाहते हो तो सबका मासेस कॉमन समझो, यहाँ पे M1 M2 M3, तो हम उसको लिख सकते थे MV1c, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ऐसा ही लिखते। यस सर, और ये किसके रिस्पेक्ट में लिखे हैं, सेंटर ऑफ मास, तो ये जीरो आएगा ये सारा सम, यस सर, ठीक है, तो इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि वाला टर्म जीरो आएगा, तो ये याद रखना है, ठीक है, समझ गए तो ठीक है, नहीं तो ये चीज याद रखना है। कभी भी अगर कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन हो और अगर हमको लिनियर मोमेंटम लिखना हो तो सिंपली आंख बंद करके टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास,
क्लियर है? ये क्या है, सिर्फ लीनियर मोमेंटम हम लिखे हैं, लिखे सॉरी, ठीक है, कंबाइंड हो रहा है, लेकिन इसमें हमको कोई चिंता करने की बात नहीं है, जो हम लोग पहले पढ़े हैं वही चीज आ रहा है। जैसे इस पे भी एक छोटा सा एग्जांपल करते चलते हैं। मान लेते हैं कि एक रिंग है, ठीक है, ये 5 मीटर पर सेकंड से आगे चल रहा है, 10 रेडियन पर सेकंड से रोटेट कर रहा है, 5 kg का है। अगर हमको मोमेंटम निकालने के लिए बोला जाए तो कितना आएगा बताओ? सर 25। डायरेक्टली क्या करेंगे, एम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि 5 × 5 कर देंगे, 25, आराम से आंसर हो जाएगा। सर इस केस में कंजर्व कैसे कराएंगे? आएंगे, सब चीज आएगा। अभी तो सिर्फ मोमेंटम सीखे हैं, अभी एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं उसको भी सीखते हैं। ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ठीक है, अगर कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन हो रहा है उसमें एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के लिए हमेशा एक एक्सिस जरूरत पड़ता है। ये बात मानते हो कि अगर हमको किसी भी बॉडी रोटेट कर रहा होता है तो एंगुलर मोमेंटम यानी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा, तो उस एक्सिस के अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। तो वैसे ही हम मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये किसी स्पीड से, इसका सेंटर ऑफ मास है ये लेट से, किसी स्पीड से ये आगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से जा रहा है और ओमेगा से ऐसा रोटेट भी हो रहा है, ठीक है। अब हमको मान लेते हैं कि इसका एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट पी, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, इसके अबाउट लिखना है। जैसे कि हो सकता है बोलेगा कि गाड़ी है ऐसा ओमेगा से जा रहा है, चक्का है वी से जा रहा है, बताओ इस पॉइंट ए के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, यहाँ के अबाउट क्या है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या है, यहाँ के अबाउट क्या, कोई सा भी पॉइंट ले सकता है। तो वैसे ही हम यहाँ पे कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट पी लिए हैं, इस पॉइंट पी के अबाउट हमको एल पी पता करना है कि कितना होगा, ठीक है, यानी एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी लिखना है। ये बॉडी है, वी से जा रहा है और ओमेगा से रोटेट होता हुआ आगे जा रहा है, कैसे लिखेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पी के राउंड अगर देखेंगे तो ये पार्टिकल जो है आगे बढ़ भी रहा होगा और साथ में रोटेट करता हुआ आगे जा रहा होगा, ठीक है। वही एग्जांपल ले सकते हो कि पेन होता, अगर हम एक एंड पकड़ के दोस्त की तरफ फेंकते तो राउंड राउंड घूमता हुआ अपने सेंटर ऑफ मास के लॉन्ग रोटेट करता हुआ आगे प्रोजेक्टाइल मोशन में भी जा रहा होता। अब हम सिंपल लिनियर मोमेंट डायरेक्शन ही ले रखे, कैसे लिखेंगे? तो हम मान लेते हैं कि कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, इस पॉइंट के लिए देखते हैं क्या लिखते हैं। इसका मास मान लिया M1 है, ठीक है। इस पॉइंट का पोजीशन के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ से अगर इसका पोजीशन की बात कर रहे हैं तो ये R1 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो वेक्टर है ये RC वेक्टर है, RC वेक्टर यानी कि पॉइंट पी से सेंटर ऑफ मास का R1 का है ये चीज। अगर यहाँ से सेंटर ऑफ मास से अगर हम बैठ के इसको लिख रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि R1C है, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट वन विथ रिस्पेक्ट टू सी है। ये सब एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा या ध्यान रहेगा, R1 वेक्टर है पॉइंट पी से उसका, फिर R1 से लिख रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट वन विथ रिस्पेक्ट टू सी, क्लियर है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ट्रेंगल लॉ की अगर हम बात करें तो R1 वेक्टर हमको मिलेगा क्या, RC प्लस R1C, वैसा ही वेलोसिटी वेक्टर जैसा लिख रहे थे वैसा ही मिला। पोजीशन वेक्टर ये सब में कोई कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पी से इस पॉइंट वन का हम वेक्टर लिखे, यानी कि पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, मान लेते हैं ओरिजिन ही होता तो R1, सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितने दूरी पे, RC, फिर यहाँ से ऐसा,
बुक में अगर रियली में देखोगे तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट्स बना दिए जाते हैं कि ओरिजिन है, वहां से हम मेजर करते हैं, बाकी हम ऐसे ही लिए हैं, तो कोई बात नहीं। बस ये समझना चाहिए कि हम पी से वन का जो पोजीशन वेक्टर है उसको आर वन बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ मास आर सी है, और यहाँ से हमको दिख रहा है ट्रेंगल लॉ से, लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से, कि आर वन इजकल टू आर सी प्लस आर वन सी है। अब इसका अगर हम एंगुलर मोमेंटम लिखें तो क्या लिखेंगे बताओ, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी, पी के अबाउट। उसका परपेंडिकुलर वेलोसिटी उस और रेडियस से वेक्टर फॉर्म मल्टीप्लाई, में बोलो, क्या हम ऐसा लिख सकते थे एम वन आर वन वेक्टर इंटू वी वन वेक्टर, लिखते ही वेक्टर फॉर्म में। यस इसको मान लेते हैं, छोड़ो ओरिजिन है, यस काम ही यस खत्म, ठीक है, ये ओरिजिन है, इधर को आई एक्स एक्सिस होता, कुछ भी होता, रेफरेंस पॉइंट है। उस पॉइंट के अबाउट हमारा फॉर्मूला यही था, तो हम यहाँ पे हम पी कर दें तो यहाँ पे ऐसे ऐसे जितने भी मासेस होते हैं, एम टू इंटू आर टू वेक्टर इंटू वी टू वेक्टर प्लस सोन, यहाँ पे पॉइंट टू होता, थ्री होता, वैसे ही लिखते। तो हमको दिख रहा है एलपी जो मिल रहा है एम वन आर वन क्रॉस वी वन प्लस एम टू आर टू क्रॉस वी टू प्लस डॉट डॉट डॉट, यही मिलेगा। टोटल सम कर देंगे तो हमको टोटल मिल जाएगा, ठीक है। आर वन को एक्सपेंड करेंगे तो कैसे, तो ठीक है, बहुत यस लंबा चला जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, याद रखना है। यहाँ से हम यहाँ पे अगर भी वन का लिखे तो भी वन को भी उसके रिस्पेक्ट में लिख सकते सर, हैं, आर सेंटर ऑफ मास इन प्लस आर रिस्पेक्ट हाँ, तो वही हम टू डायरेक्ट सेंटर लिख ऑफ रहे हैं। मास। अगर लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, आई सेंटर ऑफ मास, जो भी आएगा सॉल्व करके यही आता है, प्लस एम आर सी क्रॉस वी सी वेक्टर, ठीक है। इन सबको अगर हम पुट करके सॉल्व करें तो फाइनली हमको यही चीज का जरूरत पड़ेगा, ये चीज याद रखना है, ठीक है। उसमें हम रख के सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमको यही मिलेगा, आई सेंटर ऑफ मास, यानी पॉइंट पी के अबाउट अगर निकालना है तो सेंटर ऑफ मास, यानी कि क्या है, एल अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, एल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास दिया है, और ये क्या है, तो एल ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि हमको यह चीज लिखा हुआ मिलेगा कि अगर ये मान लेते हैं ऐसा बॉडी है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, वी से आगे जा रहा है, लेट से अगर हम इस पॉइंट ए के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए इसका। एक बार जब हम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में यहाँ बैठ जाएंगे और देखेंगे तो हमको सिर्फ आई इंटू ओमेगा दिखेगा, रिंग हो जो भी चीज दिया हो। दूसरा बात कि ये चीज एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि सिर्फ हमको ये दिख रहा है कि इधर की तरफ जा रहा है, और उसका अगर लिखना होगा तो ये हमको आर वेक्टर मिलेगा और ये हमको आर परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं एम भी इंटू आर परपेंडिकुलर, यही लिखते हैं। तो आर परपेंडिकुलर जो है वो आर के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं आई ओमेगा प्लस एम भी आर, ठीक है। यानी कि जो हम लोग पहले एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, जैसे एग्जांपल किए थे हम लोग, ऐसा एक लाइन है यहाँ पे, एक पार्टिकल वी स्पीड से जा रहा है, इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखो, याद है। तो वैसे ही इसका जब हम जी सेकेंड पार्ट लिख रहे हैं तो सिर्फ हम सेंटर ऑफ मास पे ध्यान दिए हैं, उसी तरीके से जैसे कि अर्जुन जो है, सिर्फ अर्जुन को सिर्फ आंख दिख रहा था चिड़िया का, महाभारत कहानी देखोगे तो, वैसे ही यहाँ पे हमको सिर्फ जब हम सेकेंड पार्ट लिख रहे होंगे तो सिर्फ हमको सेंटर ऑफ मास दिखना चाहिए, और फर्स्ट पार्ट में
सेंटर ऑफ मास पे बैठ होके हमको सिर्फ रोटेट होता हुआ ये रिंग या फिर जो भी चक्का व्हील जैसा भी शेप दिया हो वो होना चाहिए, ठीक है? नहीं, किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो इसमें ये दो टर्म्स आएंगे, एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है? यहाँ पे मार का वैल्यू रख के एक्सपेंड करके सॉल्व करते हैं, यहाँ पे वी का भी वैल्यू रखना पड़ेगा, V1 = VC + V1C, ठीक है? रख के एक्सपेंड करेंगे बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, एक तो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है? तो ये फॉर्मूला है, याद रखना है हमारा एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए किसी भी पॉइंट के अबाउट, ठीक है? तो एक एग्जांपल देते हैं, तुम लोग करो। सर्कुलर ही है सर ये तो, हाँ सर जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला सर वो तो बॉडी पे किसी भी पॉइंट के लिए तो सेम है, किसी भी पॉइंट के लिए सेम है, मतलब सर वो जो सर्कुलर बॉडी है ऑब्जेक्ट है, उस पे से कोई भी पॉइंट रहेगा सर सबके लिए सेम एंगुलर मोमेंटम है, किसी फिक्स रेफरेंस पॉइंट लेंगे तो किसी भी पॉइंट से कहाँ सेम आ रहा है, समझे नहीं तुम क्या कहना चाह रहे हो सर? ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये बॉडी ये वाला बता रहे हो कि ये नीचे नीचे वाला, हाँ और सर अगर इसमें कोई भी सर पॉइंट से अगर लेंगे एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट से, इससे हाँ। अगर कैलकुलेट करें सबके लिए तो सर सेम ही आ रहा है। कैसे सेम आएगा, ये पॉइंट अगर यहाँ होता है, ये यहाँ ना होके यहाँ सर, आर परपेंडिकुलर, हाँ बोलो। सर पर्टिकुलर पॉइंट का बात कर रहे हैं उस अच्छा इस बॉडी पॉइंट से कर रहे हैं, हाँ तो इस पॉइंट से अगर ओमेगा और वी चेंज नहीं हो रहा है तो सेम ही आएगा। यस ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है और ऐसे 5 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट हो रहा है, रेडियस दे रखा है 2 मीटर, वेट है 5 kg, एल अबाउट ए फाइंड करना है, जो कि ए पॉइंट है वो यहाँ से 1 मीटर की दूरी पे, ठीक है? इस ए पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है। क्या ये सर सो 58 है क्या? पता नहीं, आंसर नहीं है, देखते हैं। इस पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है तो अगर एले अगर हम फाइंड करेंगे तो एक तो आई सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा लिखेंगे, प्लस ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा 1 मीटर, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 5 × 10 × 1, क्योंकि ये हमारा आर वेक्टर होगा तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सही आएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा जो भी है वही आना है। अब यहां से अगर हम बात करें तो ये थीटा है, दोनों पैरेलल है तो ये थीटा है, अगर हम यहां से बात करें तो आई सेंटर ऑफ मास कितना होता है,
बोलो टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर का 2/5, तो एम टू आर बाई स्क्वायर फाइव इंटू फाइव इंटू टू का स्क्वायर इंटू फाइव। इसका अगर डायरेक्शन देखो तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, यानी कि बाहर की तरफ प्लस। इसका अगर हम देखें तो आर वेक्टर इधर है, आर क्रॉस बी क्रॉस में आएगा, यानी कि 50 × यही आ रहा है। यस सही, दो यानी बार अगर क्या सर आ गया। ठीक है, देखो डायरेक्शन तो दे लेना पड़ेगा ना, मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, हमको डायरेक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पे ऊपर की तरफ आ रहा है और ये क्रॉस आ रहा है, आर क्रॉस भी देखोगे सेकेंड वाले में और एक में ओमेगा का। क्लियर है? एक ऐसा रॉड है, इधर ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और ऐसा रोटेट हो रहा है 10 रेडियन पर सेकंड से। वेट जो है इसका, मास 3 kg दे रखा है एंड लेंथ है 4 मीटर, और यहां से 1 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट ए है। एट द गिवेन मोमेंट हमको निकालना है एल ए क्या होगा। सर वो किसके अबाउट घूम रहा है? फ्री टू रोटेट है तो आगे बढ़ रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घूमेगा ना। पहले भी बोले थे कोई भी बॉडी अगर फ्री टू रोटेट है, कोई एक्सिस या हिंज नहीं है, तो किसके अबाउट रोटेट होगा, सेंटर ऑफ मास। हो गया, डायरेक्शन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सर हो रहा है, सर 10 है। टेन आ रहा है, आर परपेंडिकुलर 1 10 30 3 4 4, ठीक है 10 आ रहा है, यानी कि इनटू द प्लेन वाला पॉजिटिव लिए तो इनटू द प्लेन आ रहा है। जैसे हम लोग इस सब का लिख रहे हैं वैसे ही हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का क्या लिखेंगे, तो डायरेक्ट ही लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। अगर टोटल लिखा जाए तो ये होगा काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल क्या होता था, तो
हाफ आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ये लिखेंगे तो हाफ टोटल मास इंटू वी सेंटर ऑफ मास के स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी टोटल आएगा। इसका भी वैसे ही प्रूफ आएगा जैसे कि हम लोग ऊपर कर रहे हैं, प्रूफ से हमको उतना कोई मतलब होता नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी टोटल लिखना है तो बॉडी आगे भी बढ़ रहा है रोटेट भी कर रहा है, यानी कि उसके पास दोनों मोशन है तो दोनों की वजह से उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, यानी ट्रांसलेशन की वजह से भी होगा और रोटेशन की वजह से भी होगा। तो हम दोनों का अगर काइनेटिक एनर्जी जोड़ देते हैं तो हमको टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलता है। तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल हाफ एम बी सी एम का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। यानी कि हम पहले से जो यूज करते आ रहे थे ट्रांसलेशनल मोशन में, और ये अभी अभी थोड़े दिन पहले सीखे हैं रोटेशनल मोशन के दौरान कि अगर किसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। वहां पे हम लोग किसी भी एक्सिस के अबाउट लिख लिया करते थे, किसी भी एक्सिस के अबाउट फाइंड करते थे, लेकिन इस फॉर्मूले में ये ध्यान देना है क्या यहाँ पे हो या लिनियर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं, दोनों जगहों पे जो हम एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास दे रहे हैं तो वहां आई सेंटर ऑफ मास का लिए है, जिस पॉइंट के अबाउट फाइंड करने कहा जा रहा है उसको हम कंसिडर नहीं कर, और काइनेटिक एनर्जी में तो कोई पॉइंट का बात ही नहीं आएगा, सिंपली हमको कहा जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी रोटेशन और ट्रांसलेशन की वजह से है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा। तो वही काम हम यहाँ पे डायरेक्टली कर रहे हैं, क्लियर है। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिंपली यही देखे कि अगर कोई भी बॉडी रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन कर रहा है तो हम लोग उसको दो पार्ट में सकते हैं, यानी कि एक तरफ ट्रांसलेशन एक तरफ रोटेशन, दोनों को कंबाइंडली बाद में देखते हैं। अलग अलग करने से हमारा काम आसान हो जाता है, इस वजह से हम लोग अलग अलग करके देखते हैं। लिनियर मोमेंटम लिखना हो, काइनेटिक एनर्जी लिखना हो, एक्सेलरेशन लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, अगर दोनों कर रहा है तो हमेशा कोशिश करो कि दो चीज में ही देखने को उसको देख कोशिश करो, यानी रोटेशन अलग ट्रांसलेशन अलग, साथ में लास्ट में हम लोग कंबाइंड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि एक साथ देखने जाएंगे तो हमारे लिए सर का दर्द होगा, दिमाग खराब होगा, छोड़ छाड़ के निकल लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करना है, और ये जो चीज है स्टूडेंट्स के लिए क्या किसी के लिए भी 11th का सबसे टॉपेस्ट चैप्टर माना जाता है अभी का पोर्शन जो भी चल रहा है, क्योंकि ट्रांसलेशन तो संभल नहीं रहा था, इसमें रोटेशन भी आ गया और दोनों साथ साथ कर दिया तो और भी बहुत तो लोग के लिए गड़बड़ हो जाता है, और है ज्यादा कुछ इसमें नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत ध्यान की जरूरत है और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस का, अगर तुम कर लेते हो तो इसमें मतलब 80% सवाल तो हो जाएंगे, 10-20% के लिए थोड़ा अलग मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन जितना हवा बना रखे हैं लोग कि बहुत भारी है वो नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाँ अलग अलग करके, लेकिन हमको ऐसे ऐसे 10-20 क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करके देखने का कोशिश खुद से करना पड़ेगा, जब खुद हम एनालाइज करने लगेंगे तो हमारे लिए सवाल बहुत आसान हो जाएंगे। तो इसलिए खुद से भी कोशिश करो, किसी भी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चंस कर रहे हो तो उसको अलग अलग पार्ट में देखने का, रियलाइज करने का, विजुअलाइज करने का, फिर न्यूमेरिकली अपना एडॉप्ट करना, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में वही हम लोग कोलिजन या सब चीज के बारे में बात करेंगे कि अगर दोनों हो रहा है, कोई भी एक रॉड रखा है उससे बॉल को टकराए तो कोलिजन हुआ, कोलिजन में रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों हो रहा है तो सब सवाल कैसे करेंगे। फिर रोलिंग का केस आएगा कि हम एक रिंग को या फिर स्फेयर को दौड़ा दिए तो रोलिंग हो रहा है, तो रोलिंग हो रहा है तो उसमें प्योर रोलिंग किसको कहेंगे, फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा, फ्रिक्शन का रोल क्या होगा, वो सारी चीजें बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। सो होमवर्क वही रहेगा? हाँ, होमवर्क अभी वही रहेगा, अभी ये तो इधर तो सीखे रहे हैं। क्या डीपीपी?
टीपीपी तो पता नहीं मिल रहा है तुम लोग को? ठीक बीच में रुक गया था सर, अब स्टार्ट हो गया सर, आज मिला दो है, तो 35 तक शायद कर लिए थे ना हम लोग। यस सर। हाँ तो मंडे को ही डिस्कस करेंगे, तो 36 से 40 तक कंप्लीट करो। कहाँ तक मिला है? हेलो, सो 40+ है सर। आज जो मिला होगा लास्ट ही होगा। सो आज का 42 है। ठीक है तो कल ही डिस्कस कर लेंगे 36 और 37। ठीक है, कल 36 और 37 कर लेना, एंड कर रहे हैं।